फाइनली अनसोया। और चारों तरफ देखो बुग्याल है और साथ में लोगों के घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टीन सेट भी बहुत सारे बनाए हुए हैं यात्रियों के लिए जो आते हैं ना, तो उनके लिए। और नीचे मंदिर है यहाँ पे, तो अभी मंदिर पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। फाइनली अनसोया माता पहुंच गए हम लोग, और अभी दर्शन करेंगे एक बारी थोड़ा बहुत मुहा धोया और फिर दर्शन करते हैं माता जी के। और उसके बाद यहां से फिर नीचे के लिए स्टार्ट करेंगे यात्रा। जो जैसे कि ब्रह्म विष्णु महेश्वर ऐसे प्रार्थना। अच्छा अच्छा, चलियों जो है ना, कलियों त्रिवेणी घाट में गंगा जी है ना। अच्छा, तो जो की तो ना देव ऋषि नारद जी आई, तो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती नैनी जी। अच्छा, तो का कपड़ा तो हम जो लोटी गए अलग दौड़ गए पार्वती जी का। तो ताम बटन तो बड़ी क्या देखो तुम श्री गंगा जी अपवित्र कली बोले, तुम जा नरक लोग अनसुए की तपस्या भंग करी जो कश्यप पतिव्रता नारी जी बोले है ना। उसके पश्चात उन्होंने जो है जी, जब यहाँ आई वो तीनों नारियाँ घमंड के उसमें जल जलते हुए है ना, जलते हुए ज्वाला के समान आए हुए, तो उन्होंने देखा यार यहाँ आश्रम में। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए, उन्होंने जो है माता जी से कहा कि हमें नग्न होकर के भोजन करना है कैसे। माता जी ने कहा ठीक है, ऐसा है कि तुम नहा के आओ, मैं तब तक भोजन परोसती हूँ। बस जो भी उनके पास चने हुए थे उन्होंने खीर बनाई, और उसके पश्चात उन्होंने जो है वो जब स्नान के ले गए तो उन्होंने अत्रि जी का ध्यान करा। अच्छा, अत्रि जी ने कमंडल में जल दिया और बोला कि हम से वो तीनों आएंगे तो उसको सीजन कर लेना कहते है ना। अच्छा, तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यार तीनों आकर के वो कुशासन लिया गया, पहले के आसपास का आसन होता था वो कुशासन लिया, फिर उनको जो है आसन में उनके पांव हाथ धो करके बोला कि लोग खाना, उन्होंने कहा नग्न होना पड़ेगा। फिर माता जी है जो है नग्न हुई। अच्छा अच्छा, उनको वो जब जल का सिंचन किया तो वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बन गए। अच्छा अच्छा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बच्चे बन गए। अच्छा अच्छा, बच्चे होने के बाद जो है उनको जो है छह छह महीने व्यतीत हो गए। व्यतीत होने के बाद फिर उनको जो है वो तीनों नारियां यहाँ आई, उन्होंने जो है उनको देखा कि भाई ऐसा हो गया कहते, तो उन्होंने फिर कई क्षमा याचना की, कई वर्षों यहाँ तपस्या की। अच्छा अच्छा, माता जी ने उनके जो बच्चे अपने थे वो उनके पास दिए, तो वो छोटे मोटे बच्चों को नहीं पहचान पाई। अच्छा अच्छा, है ना, नहीं पहचान पाई, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जो है तीनों को एक ही रूप दिया गया। अच्छा अच्छा, जो यहाँ से 100 मीटर की ऊपर में दूरी होगा दत्तात्रेय की। अच्छा अच्छा, स्थापना हो गई। अच्छा अच्छा, यहाँ से दत्तात्रेय जयंती लगती है, कई लोग मंगत मांगने आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है कहानी। तो इस वजह से अनसुया माता को पूजा जाता है। तो आपने अभी कहानी सुनी, वो थी माता की कहानी। तो यहाँ पे मंदिर है और आज यहाँ पे शायद हवन भी हो रहा था, तो हम ऐसे टाइम पे आ गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा हो गया। और अब एक बारी चारों तरफ के प्रतिमा लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ से भी अब, क्योंकि हमने नीचे जाना है। Thank you.
तो हमारे दर्शन तो पहले ही हो गए थे, और अभी जो हमारे साथ वाले आ रहे हैं ना, आ रखे हैं, वो पूजा करा रहे हैं और साथ में उनकी आरती चल रही है। तो अभी अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अभी मैं बैठा हूँ इस बड़े से पेड़ के नीचे पे, और यहाँ पे काफ़ी छांव भी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी लास्ट दिन है ट्रेक का, सही है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गई मंदिर के बगल में। तो हमारे दर्शन कंप्लीट होकर के अब हम यहाँ से चले हैं नीचे की तरफ मंडल। और आज वैसे नाइट रोड हमारा मंडल भी हो सकता है, और शायद आगे घर के लिए भी चले जाएं, शायद अभी फिक्स नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है। तो ठीक पीछे मेरा मंदिर, और हम चले हैं अब मंडल की तरफ। तो काफ़ी मज़ेदार था ये ट्रिप, तो मज़ेदार। तो यहाँ से लास्ट व्यू अनसोया का, और अब इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, तो अब इस रास्ते से सीधे नीचे। रहने के बारे में बताऊँ तो रहने के लिए तो सब कुछ है यहाँ, मतलब जब भी आप यहाँ आओ तो यहाँ होटल है बने हुए, या सब चीज़ है यहाँ अनसोया माता, तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलोमीटर का ट्रेक है, वो आराम से आप निपटा सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उधर चलो, उधर उधर। गणेश भगवान का। ये देखो ऊपर से कैसे टूट रखा है, पूरा पेड़ हो गया, पूरा ऊपर से पहाड़ ही टूट गया, और यहाँ नीचे देखो ऐसे हो रखा है। तो यहाँ पे आराम से चलना है, देखो तो यहाँ पे ये पहाड़ चढ़ के आए हम लोग, ये सबसे टॉप है ना, तो इसको नीचे उतर के आए हम लोग, ये देखो आप यहाँ। तो अभी हम लोग अनसोया से आगे आ गए, और ये देखो पानी के बहुत ही नज़दीक आ गए हम लोग तो। और अब रोड भी आने वाली, नहीं वहाँ नहीं बैठना, अब रोड भी आने वाली है, तो चलते रहना है, और आज शाम को क्या पता घर भी चले जाए, देखते हैं पहले तो। आजा और मंडल जाने के बीच में देखो आप कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई साहब, और यहाँ बीच से जा रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी बड़े हैं ये, तो बड़े बड़े चलिए रोड के बहुत ही करीब। अब इसके बाद डायरेक्ट रोडी में जाना है, तो देखते हैं आज का पहले तो प्रोग्राम क्या बनता है हमारा, यही रहने का ही बन सकता है, और घर गाड़ी मिल गई तो घर जाने का बन सकता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम लोग वैसे घर ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, यहाँ रुकने से बड़े आते हैं कि घर चलेंगे, इतने जल्दी हो गया। अब तो भूख लगना भी स्टार्ट हो गई, हमने एक मैगी खाई थी ऊपर पे नाश्ते के तौर पे, और सीधे दोपहर का अब खाना खाना है। तो आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर भी हो गया, जब हम वहाँ अत्रमुनि गए थे ना, तो खतरनाक वाला एडवेंचर भी हो गया, और साथ में माता जी के दर्शन भी हो गए। और आप तो अभी ना यहाँ से बहुत ही सारे यात्री मतलब ऊपर अनसोया माता के लिए जा रहे थे अभी थोड़ी देरी पहले, तो बहुत सारे थे वो लोग। तो अनसोया के ठीक नीचे एक गांव पड़ता है सुरोली, तो फाइनली वहां पे पहुंच गए, और इसके बाद डायरेक्ट पड़ता है आगे जो मेन मार्केट है यहां का, वो
तो चलते हैं। और रास्ते के ऊपर देखो ये लाल लाल प्यारे प्यारे फूल, ये पूरे उधर तक। और यहाँ पे स्कूल है, ये देखो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरोली विकास खंड। तो फाइनली सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, ट्रेक सक्सेसफुल रहा है सबका। तो पीछे सब हमारे साथ जितने भी अंदर लोग हैं सब बंगाल के, सब सक्सेसफुल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है सबके साथ। तो आप सब लोगों को बढ़िया लगा ना? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और हमारे साथ गाइड जो मैंने बताया था, इनका कॉन्टेक्ट नंबर तो कोई बात ही नहीं था, वो बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा था। तो ऋतिक को तो मैंने कहा था, तो ये ऋतिक है ना, ऋतिक रोशन है, उसको पता नहीं। तो बस इस पूरी सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आपसे। बाय बाय।